पंजाब में लगातार हो रही बारिश की वजह से रविवार को कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसके मद्देनजर प्रशासन ने राज्य को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रशासन ने जिले में बाढ़ के हालात देखते हुए हाथ खड़े कर दिए। दरअसल पंजाब के जालंधर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जालंधर के उपायुक्त वीरेंद्र सिंह शर्मा ने फिल्लौर, नकोदर और शाहकोट के एसडीएम को 81 गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। जालंधर जिला प्रशासन ने भाखड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के मद्देनजर सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तो वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मौसम विभाग की ओर से और बारिश की संभावना जताए जाने के बाद सभी जिला उपायुक्तों को हालात पर करीब से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ डेस्क।